हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। एंटी कोरोना सिविल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो व्यूअर्स, हमारा 3 इंच आर्च हमारा चल रहा था, उसमें हमने फर्स्ट प्रॉब्लम को स्टॉप कर लिया था। जब पॉइंट लोड लगेगा उस पर बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, शेयर फोर्स क्या होगा, वो हमने फाइंड कर लिया था। आज हम एक न्यू प्रॉब्लम के साथ डील कर रहे हैं और प्रॉब्लम ये है, एक 3 इंच पैराबोलिक आर्च। देखिए, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो इस तरह से आएगा, एक 3 इंच पैराबोलिक आर्च। ये कोई आपकी 3 इंच पैराबोलिक आर्च है ऑफ 20 मीटर स्पान, जिसका स्पान कितना है हमारा 20 मीटर, एंड 4 मीटर सेंट्रल राइज, और उसकी राइज जो है वो कितनी है 4 मीटर। इट इज सब्जेक्टेड टू ए यूडीएल, इस पे एक यूडीएल लग रहा है 2 किलोन्यूटन पर मीटर, 2 किलोन्यूटन पर मीटर का एक यूडीएल लग रहा है। कहां लग रहा है? इट इज सब्जेक्टेड टू यूडीएल 2 किलोन्यूटन पर मीटर 8 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द लेफ्ट, मतलब लेफ्ट एंड से 8 मीटर के डिस्टेंस पर एक 2 किलोन्यूटन पर मीटर का यूडीएल एक्ट हो रहा है। ठीक है, अब इसने फाइंड क्या करवाया है वो देखिए। कैलकुलेट द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द रिएक्शंस, जो हमारी रिएक्शंस हैं वी और एच दोनों ही एंड्स पर, इसका आपको डायरेक्शन भी निकालना है और मैग्नीट्यूड भी निकालना है। ठीक है, सेकेंड चीज इसने बोली है, कैलकुलेट द बेंडिंग मोमेंट, नॉर्मल फोर्स एंड शेयर फोर्स एट 4 मीटर एंड 50 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट सपोर्ट। मतलब आपको लेफ्ट सपोर्ट से पहले तो 4 मीटर के डिस्टेंस पर बेंडिंग मोमेंट, नॉर्मल फोर्स, शेयर फोर्स फाइंड आउट करना है, फिर लेफ्ट एंड से 15 मीटर के डिस्टेंस पर सेम चीज अगेन फाइंड आउट करनी है। एंड सी पार्ट में इसने बोला है, कैलकुलेट द मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, आपको पता है कहाँ होगा जहाँ लोड एक्ट करेगा, एंड सेकेंड चीज पूछिए नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट कहाँ होगा जहाँ लोड अवेलेबल नहीं होगा। तो सिंपल है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिएक्शन। देखिए स्टूडेंट्स, इसकी डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी आपको सपोर्ट पर जो रिएक्शन है वो निकालनी पड़ेगी, और हम निकालते हैं सपोर्ट की रिएक्शन यूजिंग बाय इक्विलिब्रियम कंडीशन। समेशन एफ वाई इक्वल टू जीरो, जैसे हम अप्लाई करते हैं तो वी ए प्लस वी बी इक्वल टू हमारा हो जाता है टोटल लोड 2 × 8, ये हो गया हमारा 16 किलो न्यूटन। टू फाइंड वी बी, हमें वी बी फाइंड करना है, टू फाइंड वी बी टेकिंग मोमेंट अबाउट ए, समेशन ऑफ एम ए इक्वल टू जीरो। अगर आप वी ए फाइंड करोगे तो टेकिंग मोमेंट अबाउट बी कर दोगे। ठीक है, चलो तो हमारा हो जाएगा वी बी इंटू 20 माइनस 2 × 8 × 4, मतलब वी बी इंटू 20 फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 × 8, ये हो गया हमारा लोड, और जूडियल में लेते हैं डिस्टेंस का हाफ, तो 8 का हाफ 4 इज इक्वल टू 0। तो इससे हमारा वी बी जो आ जाएगा 64/20, और वी बी की जो वैल्यू हमारी निकल के आएगी 3.2 किलोन्यूटन, और वी ए हमारा आ जाएगा, टोटल हमारा लोड था कितना 16, तो 16 माइनस 3.2 कर दीजिए तो 12.8 किलोन्यूटन। तो वी ए और वी बी को हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है। अब आपको एच की वैल्यू भी निकालनी है, तो एच भी आप निकाल सकते हो, टू फाइंड एच टेकिंग मोमेंट अबाउट सी, सी के अबाउट मोमेंट लीजिए फ्रॉम राइट से, अगर हम लेते हैं तो वी बी इंटू 10 एच इंटू 4 इज इक्वल टू 0, तो एच की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, वी बी था हमारे पास 3.2 × 10/4, तो ये हो जाएगा 32/10/40, तो एच की वैल्यू हो जाएगी 8 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हमने निकाल दी रिएक्शंस दोनों ही सपोर्ट्स पर। देखिए स्टूडेंट्स, रिएक्शंस हमने यहां पर फाइंड आउट कर ली, वी ए हमारा 12.8 आ गया, वी बी 3.2 एंड एच हमारा 8 किलोन्यूटन आ गया। अब फर्स्ट इसने पूछा था डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द रिएक्शन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमने रिएक्शंस निकाली है सपोर्ट्स पर उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ठीक है, तो मतलब ये मैग्नीट्यूड हम मान लेते हैं, इस ए सपोर्ट का मैग्नीट्यूड जो है वो आर ए है, और बी सपोर्ट्स का मैग्नीट्यूड हमारा क्या है, आर बी है। रिजल्टेंट रिएक्शंस एट ए जो होगा हमारा आर ए इज इक्वल टू
वी ए का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर का अंडर रूट, मतलब इन दोनों की रिएक्शंस का स्क्वायर का रूट ऑफ हम कर लेंगे, वर्स रिएक्शंस का क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा। सिमिलर हम रिजल्टेंट रिएक्शन एट द बी निकालेंगे, वो इस बी पॉइंट का क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा। और दोनों ही वैल्यूज हमारी आ जाएगी 15.09 एंड 8.62 किलोन्यूटन। ठीक है, सेकेंड चीज इसने पूछी है डायरेक्शंस। डायरेक्शंस का मतलब हमें यहाँ पर एंगल निकालना है, तो यहाँ का यहाँ जो डायरेक्शन हो जाएगी वो हो जाएगी tan थीटा ए, और tan थीटा ए हमारा हो जाएगा VA into H, और यहाँ हो जाएगा हमारा tan थीटा B, और tan थीटा B हमारा हो जाएगा VB into H। और इससे जब आप थीटा एंगल निकालोगे तो थीटा एंगल हमारा इससे हो जाएगा, थीटा एंगल जो थीटा A निकल के आएगा वो निकल के आ जाएगा हमारा 58 डिग्री। ठीक है, और थीटा B जो निकल के आएगा हमारा वो निकल के आएगा 21 डिग्री 48 मिनट। ठीक है व्यूअर्स, मतलब दोनों वैल्यूज को पुट आउट कर देंगे अपन यहाँ पर VA into H और VB upon H, तो tan थीटा A tan थीटा B की वैल्यू आ जाएगी, उससे हम थीटा A और थीटा B को फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये चीज़ हमने फाइंड कर ली दोनों ही सपोर्ट्स पर, डायरेक्शंस की वैल्यू क्या होगी मतलब एंगल क्या होगा, और इसका मैग्नीट्यूड मतलब रिजल्टेंट रिएक्शंस क्या होगी, वो चीज़ हमने फाइंड आउट कर ली। तो ये हमारा इसका ए पार्ट हो गया। अब बी पार्ट में हम निकालेंगे, तो देखिए व्यूअर्स बी पार्ट में हम फाइंड करेंगे बेंडिंग मोमेंट, नॉर्मल फोर्स एंड शेयर फोर्स एट 4 मीटर एंड 15 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट। तो पहले अपन क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड से 4 मीटर, लेफ्ट हैंड से 4 मीटर का मतलब हो गया यहाँ पर। ठीक है, मतलब यहाँ पर हमारा x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, तो x इक्वल टू इस 4 मीटर पे आपको बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करना है। तो देखिए बेंडिंग मोमेंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं इस 4 पर, mx इक्वल टू अगर आप निकालते हो mx इक्वल टू 4, तो हमारा हो जाएगा va इंटू x, और x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4, तो va इंटू 4। ठीक है व्यूअर्स, va इंटू 4 माइनस h इंटू ये डिस्टेंस हो जाएगी y, h इंटू y माइनस 2 इंटू 4 इंटू 4 का हाफ, 2 इंटू 4 इंटू 4 बाय 2। तो m बेंडिंग मोमेंट x इक्वल टू 4 हमारा हो जाएगा, va हमारा था 12.8 इंटू 4, h हमारा था 8, h हमारा था 8, और y था हमारा पैराबोलिक इक्वेशन, और y की जो वैल्यू हो जाएगी वो देखिए 4hx अपॉन l स्क्वायर l माइनस x। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 4 इंटू 4, x हमारा है 4, 20 इंटू 20, 20 माइनस x। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो हमारे पास जो y की वैल्यू आएगी 2.56, कितनी आएगी 2.56, तो 2.56 2 इंटू 4 इंटू 2, तो mx जो हमारा निकल के आएगा x इक्वल टू 4 पर वो हमारा हो जाएगा 14.72 किलो न्यूटन मीटर। तो ये हमारा हो गया बेंडिंग मोमेंट एट x इक्वल टू 4 मीटर की डिस्टेंस पर। अब देखिए व्यूअर्स हमें x इक्वल टू 4 मीटर पर नॉर्मल फोर्स और शेयर फोर्स निकालना है, तो x इक्वल टू 4 पर पहले आपको इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा, क्रॉस सेक्शन बनाना पड़ेगा, वो हमने क्रॉस सेक्शन यहाँ पर बना दिया है। एंड क्रॉस सेक्शन बनाने के बाद यहाँ पर फोर्स की वैल्यू क्या होगी, जनरली क्या होता है जब कोई लोड नहीं होता तो दोनों वैल्यू हमारी सेम ही होती है, जो यहाँ की वैल्यू होती है वही वैल्यू यहाँ की होती है, बट यहाँ पर हमारे पास यूडीएल आ रहा है, इस वजह से हमारे पास यहाँ का जो वर्टिकल फोर्स है वो चेंज हो जाएगा। देखिए कितना चेंज होता है, समीशन एफ एक्स इक्वल टू अगर आप जीरो करते हो तो एच माइनस एच एक्स इक्वल टू जीरो, तो एच इक्वल टू एच एक्स इक्वल टू हमारा हो गया 8 किलोमीटर। ठीक है, अब वी एक्स हम चेक करते हैं, वी एक्स हमारा कितना होता है, तो देखिए समीशन एफ वाई इक्वल टू जीरो, तो हमारा हो जाएगा वी ए माइनस वी एक्स, और ये लोड कितना है हमारा 2, कितने डिस्टेंस पर है 4 मीटर पर, तो 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा हमारा 2 इंटू 4 हमारा हो जाएगा 8 इक्वल टू 0। तो जो वी एक्स की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी हमारी वी ए माइनस 8, और वी ए हमारा जो है वो कितना था 12.8, तो 12.8 माइनस 8 जब आप करोगे तो कितना आ जाएगा वी एक्स की वैल्यू 4.8 किलोमीटर। तो वी एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 4.8 किलोमीटर,
और VA, VX और HX से हम क्या निकाल देंगे, नॉर्मल फोर्स। तो देखिए व्यूअर्स, हमारा नॉर्मल फोर्स जो हो जाएगा NX इक्वल टू HX cos थीटा प्लस VX sin थीटा। मतलब नॉर्मल फोर्स जो होगा हमारा वो इस थीटा एंगल पर होता है और कितना होता है, HX cos थीटा प्लस VX sin थीटा। तो देखिए व्यूअर्स, NX हमारा जो हो जाएगा, HX की जो वैल्यू थी वो S थी और S था हमारा 8 cos थीटा और VX हो जाएगा हमारा 4.8 साइन थीटा। अब हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। थीटा की वैल्यू हमें कहाँ निकालनी है, x इक्वल टू 4 पर। और थीटा की वैल्यू हम किससे निकालते हैं, पैराबोलिक इक्वेशन से। और y इक्वल टू था हमारा 4hx अपॉन l स्क्वायर l माइनस x, और y इक्वल टू 4 × x। बिकॉज हमें यहाँ पर डिफरेंशिएट करना है इसलिए हम x की वैल्यू भी पुट नहीं करेंगे, पहले डिफरेंशिएट करेंगे फिर x की वैल्यू पुट करेंगे। 20 × 20 माइनस x, ठीक है। तो y इक्वल टू हो जाएगा हमारा x अपॉन 25, 20 माइनस x, तो dy by dx इज इक्वल टू 10 थीटा। हमारा हो जाएगा 20 अपॉन 25 और 2x अपॉन 25। और 10 थीटा जो निकालना है हमें x इक्वल टू कितने पे निकालना है, 4 पर। तो 10 थीटा x इक्वल टू 4 पर कितना हो जाएगा, 10 थीटा हमारा x इक्वल टू 4 पर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा माइनस का 4। कितना हो जाएगा, सॉरी, tan थीटा x इक्वल टू 4 पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0.48। कितना हो जाएगा, 0.48। और थीटा की वैल्यू इससे आ जाएगी हमारी, थीटा इक्वल टू आ जाएगा 25 degree 38 minute। और थीटा की वैल्यू जैसे आप यहाँ पुट करोगे तो हमारा नॉर्मल फोर्स आ जाएगा x इक्वल टू 4 पर, और नॉर्मल फोर्स जो हो जाएगा हमारा नॉर्मल फोर्स हो जाएगा हमारे पास 9.289 किलोमीटर। और ऐसे ही हम निकाल देंगे शेयर फोर्स। और शेयर फोर्स क्या होता है, हमारा नॉर्मल फोर्स के परपेंडिकुलर जो हमारा फोर्स एक्ट करता है वो क्या होता है, शेयर फोर्स। और शेयर फोर्स की जो वैल्यू होती है Vx, इसको उल्टा कर दो बस, Vx cos थीटा HX sin थीटा। तो हो जाएगा Vx cos थीटा माइनस HX sin थीटा, या फिर आप थीटा के अंदर 90 को ऐड कर दो तो भी ये वैल्यू आ जाएगी। और सारी वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, तो शेयर फोर्स की जो वैल्यू हमारे पास हो जाएगी वो हो जाएगी 0.867 किलोन्यूटन। तो व्यूअर्स, ये हमने निकाल दिया x इक्वल टू 4 मीटर पर नॉर्मल फोर्स कितना होगा, शेयर फोर्स कितना होगा, बेंडिंग मोमेंट कितना होगा। सेम चीज़ हमें निकालनी है x इक्वल टू 15 मीटर पर। तो देखिए व्यूअर्स, बी पार्ट के अंदर हम सेकेंड जो पार्ट करेंगे, बी पार्ट में हमने फर्स्ट जो निकाला था x इक्वल टू 5 मीटर पर निकाला था, अब हम निकालेंगे x इक्वल टू 15 मीटर पर बेंडिंग मोमेंट, नॉर्मल फोर्स एंड शेयर फोर्स। तो देखिए व्यूअर्स, से कॉमन सेंस आप लगाइए, लेफ्ट हैंड से x इक्वल टू 15 मीटर मतलब यहाँ पर हो गया, तो x इक्वल टू 15 मीटर पर जो बेंडिंग मोमेंट लेफ्ट साइड से होगा वही बेंडिंग मोमेंट x इक्वल टू 5 मीटर पर राइट से होगा, ठीक है। तो हमने आपको बोल दिया बेंडिंग मोमेंट, नॉर्मल फोर्स एंड शेयर फोर्स एट x इक्वल टू 15 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट इज इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट, नॉर्मल फोर्स एंड शेयर फोर्स एट x इक्वल टू 5 मीटर फ्रॉम द राइट। लेफ्ट से जो 15 पर होगी जो वैल्यू होगी वही वैल्यू राइट से 5 मीटर पर होगी। तो देखिए, राइट से हमने 5 मीटर पर बेंडिंग मोमेंट निकाला, तो mx इक्वल टू हमारा हो गया vb इंटू 5 और h इंटू 1। मतलब यहाँ हमने कोई सेक्शन ले लिया और इस सेक्शन पर हमारा ये x इक्वल टू हमारा था 5 मीटर और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई y, तो हमारा हो गया vb इंटू 5 h इंटू 1। तो देखिए व्यूअर्स, vb 3.2, 5, h हमारा 8 है, वाई पैराबोलिक इक्वेशन से हम फाइंड आउट कर लेंगे और ये आ जाएगा हमारा 3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ गया हमारा माइनस का 8 किलोन्यूटन मीटर। और देखिए हम x इक्वल टू 15 मतलब x इक्वल टू 5 मीटर फ्रॉम राइट, भाई जो वैल्यू लेफ्ट से 15 पर होगी वही वैल्यू राइट से 5 मीटर पर होगी। तो राइट से 5 मीटर पर हम निकालते हैं नॉर्मल फोर्स, और नॉर्मल फोर्स हमारा हो जाएगा HX cos थीटा प्लस VX sin थीटा।
सेम वैसे ही हम फाइंड आउट करेंगे और नॉर्मल फोर्स की हमारी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, और वो नॉर्मल फोर्स हमारा हो जाएगा 8.61 और शेयर फोर्स हमारा हो जाएगा, शेयर फोर्स हमारा हो जाएगा 0। ठीक है, तो देखिए व्यूअर्स, एच एक्स और बी एक्स की वैल्यू क्या रखोगे, मतलब राइट हैंड से आपने एक्स इक्वल टू 5 मीटर में आपको सेक्शन लेना पड़ेगा, तो जो वी बी की वैल्यू होगी वही किसकी वैल्यू हो जाएगी, वी एक्स की वैल्यू। तो वी एक्स की वैल्यू आप क्या रखोगे, जो वी बी की वैल्यू है, और एच एक्स की जो वैल्यू होगी वो किसकी होगी, एच एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। ठीक है, कोई लोडिंग नहीं है, तो जब कोई लोडिंग नहीं होती तो वी बी ही हमारा वी एक्स होता है और एच ही हमारा एच एक्स होता है। और आप साइन थीटा कॉस थीटा कैसे निकालोगे, वाई इक्वल टू 4hx अपॉन एल स्क्वायर एल माइनस एक्स, पैराबोलिक इक्वेशन से आप dy बाई dx फाइंड करना, और dy बाई dx से हमारा थीटा आ जाएगा, थीटा की वैल्यू को हम यहाँ पुट अप कर देंगे तो हमारा आ जाएगा नॉर्मल फोर्स। फिर हम शेयर फोर्स की इक्वेशन लिखेंगे, शेयर फोर्स हमारा होता है vx cos थीटा माइनस hx sin थीटा, और जब सारी वैल्यू पुट अप करेंगे तो शेयर फोर्स हमारा आ जाएगा 0। तो ये चीज़ हमने निकाल दी, x इक्वल टू 5 मीटर फ्रॉम द राइट से जो नॉर्मल फोर्स बेंडिंग मोमेंट शेयर फोर्स होगा वही हमारा x इक्वल टू 15 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट से होगा। ठीक है, देखिए सी पार्ट के अंदर में निकालना है मैक्सिमम पॉजिटिव एंड नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकाल रहे हैं मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। तो व्यूअर्स, मैंने आपको पहले भी बोला था मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट कहाँ होता है, अगर हमारा पॉइंट लोड दे रखा है तो उसी के नीचे होगा, और UDL अगर देगा तो फिर हम फाइंड करेंगे UDL में कहाँ पर होगा। तो हमने लिख दिया मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विल अकर समवेयर अंडर द UDL, UDL के अंदर होगा, कहाँ पर होगा, इट अकर एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द लेफ्ट सपोर्ट। हम ये मान रहे हैं लेफ्ट सपोर्ट से x डिस्टेंस पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो इस x डिस्टेंस पर हम mx निकालते हैं, तो हमारा mx हो जाएगा v इंटू एक्स, एच इंटू वाई और w इंटू एक्स इंटू एक्स बाई टू। ठीक है, तो v 12.8, x का x, h हमारे पास है 8 और h हमारे पास हो गया 8, y की वैल्यू पैराबोलिक इक्वेशन से निकाल लेंगे, y इक्वल टू 4hx अपॉन l स्क्वायर l माइनस एक्स, 4h की वैल्यू 4 हो गई, थोड़ा सिंपलीफाई किया तो y इक्वल टू x अपॉन 25, 20 माइनस एक्स, तो y की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी x अपॉन 25, 20 माइनस एक्स, w था हमारे पास 2, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो लेफ्ट एंड से x डिस्टेंस पर हमने बेंडिंग मोमेंट निकाल दिया। अब ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पर होगा, कितने डिस्टेंस पर होगा, तो हमें पता है जहाँ शेयर फोर्स की वैल्यू 0 होती है वहाँ बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो फॉर फाइंडिंग द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, वो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए dmx अपॉन dx इक्वल टू 0 किया, जैसे आप इसका डिफरेंशिएट करोगे तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4.7। ठीक है, 4.7, तो हम बोल सकते हैं राइट लेफ्ट एंड से x इक्वल टू 4.7 पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। कितना होगा, इस वैल्यू को जैसे ही आप इस इक्वेशन में पुट कर दोगे तो हमारा मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट निकल के आएगा 15 किलोन्यूटन मीटर। ठीक है व्यूअर्स, तो देखिए व्यूअर्स, मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट कहाँ पर होगा, मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट ऑलवेज वहाँ होता है जहाँ कोई लोड अवेलेबल नहीं होता। तो हमने यहाँ बोल दिया मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट विल अकर समवेयर इन द पोर्शन सीबी, सीबी में होगा क्योंकि यहाँ पर कोई लोड अवेलेबल नहीं है, और इस पोर्शन में भी कहाँ पर होगा वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा मेजरिंग द एक्स फ्रॉम द बी। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, बी सपोर्ट से एक्स डिस्टेंस हमें पता नहीं है, बी सपोर्ट से एक्स डिस्टेंस पर हम बेंडिंग मोमेंट ले रहे हैं, तो हमारा हो जाएगा वी बी इंटू एक्स, एच इंटू वाई। ठीक है, तो वी बी 3.2 इंटू एक्स, एच हमारे पास 8 और वाई था हमारा एक्स अपॉन 25, 20 माइनस एक्स। ठीक है, तो राइट हैंड से एक्स डिस्टेंस पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट नेगेटिव होगा, कितने डिस्टेंस पर होगा वो डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, dmx अपॉन dx इक्वल टू 0, इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे तो x की वैल्यू निकल के आएगी 5, तो हम बोल सकते हैं राइट एंड से x इक्वल टू 5 मीटर के डिस्टेंस पर बेंडिंग मोमेंट नेगेटिव होगा। कितना होगा, तो इस वैल्यू को जैसे आप इस इक्वेशन में पुट करोगे तो वो मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट निकल के आएगा। तो ठीक है व्यूअर्स, इस प्रॉब्लम के अंदर हमने 3 चीज डील की। फर्स्ट जो ए पार्ट था उसमें हमने निकाला था मैग्नीट्यूड एंड
डायरेक्शंस एट द सपोर्ट ए एंड बी. सेकेंड बी पार्ट के अंदर हमने निकाला था कैलकुलेट द बेंडिंग मोमेंट नॉर्मल फोर्स शियर फोर्स एट एक्स इक्वल टू 5 मीटर एट एक्स इक्वल टू कितना था एक मिनट एट एक्स इक्वल टू 4 मीटर एंड 15 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट सपोर्ट. और सी पार्ट में हमने निकाला मैक्सिमम पॉजिटिव एंड नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट. मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट यूडीएल के अंडर में हो जाएगा एंड मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट वहाँ होगा जहाँ कोई लोड अवेलेबल नहीं होगा. तो आई होप आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया होगा. अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. थैंक यू व्यूअर्स.